यहाँ से जरा पानी का प्रेशर देखें जरा, अच्छा खासा पानी का प्रेशर है भाई। वो देखें, वो देखें, वो देखें, वो देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई ये जो ब्रिज जो हब सिटी को और कराची को कनेक्ट करता है आपस में, ये बीच में से क्रैक हो गया है, क्योंकि जो हमने हब डैम की वीडियो बनाई थी कल, उसी हब डैम से जो पानी आ रहा है वो यहाँ से ब्रिज की बेस को दरारे डालता हुआ चला गया है। तो यहाँ से अभी जो है ना गाड़ियों की आमदरफ बंद हो गई है, सिर्फ बाइक्स गुजर रही हैं, लेकिन गाड़ियों को हैवी ट्रैफिक को यहाँ से जाना जो है बंद कर दिया है। तो चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है सारी, तो उसकी अपडेट आप लोगों को देते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। अच्छा जी, हम लोग इस टाइम पे आ गए हैं ब्रिज के बिल्कुल सेंटर में, और जिस तरह मैं आप लोगों को वहाँ से बताता हुआ आ रहा था कि जी उस तरह पे हब डैम, ठीक है जी, हब डैम से ये पानी बहता हुआ जो हम लोगों ने कल हब डैम की वीडियो बनाई थी, ये वही पानी है जो ओवरफ्लो होने के बाद, ज़्यादा होने के बायस जो है यहाँ से बहता हुआ और अब ये समुंदर की तरफ जा रहा है उधर, ठीक है जी। और यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जी रस्ते में जो कुछ एक दो बस्तियाँ आ रही थी उसको ये पानी जो है ख़त्म करता हुआ यहाँ से निकलता हुआ जा रहा है, जिसने ब्रिज की जो है बेस को भी जो है डैमेज किया है। और आप अगर वो देखें ब्रिज के वहाँ साथ देखें आप अगर, तो वो सारा एरिया जो है इस सैलाबी रेले ने जो है वो सारा एरिया जो है काटते हुए गया है। तो अभी सारी हैवी ट्रैफिक को यहाँ से रोक दिया गया है, और ये जो आप सिर्फ देख रहे हैं सिर्फ बाइक वगैरह यहाँ से गुजर रही है, ये कुछ लोग जो हैं आप अगर उस तरफ आए आपको वहाँ भी दिखाते हैं। मिश्कात भाई ने पकड़ा हुआ कैमरा, वैसे मिश्कात भाई क्या कहेंगे यार, बहुत ही अजीब सी कैफियत है यहाँ पर। कुछ अरसे पहले जो है ना कोई पानी था, पानी का एक कतरा भी नहीं था, हाँ। और आज यहाँ पर पानी का पूरा रेला बह रहा है, हाँ। और अल्लाह की कुदरत है क्योंकि हब डैम जो है वो फुल हो चुका है, और बारिश से अल्लाह ताला ने इस बार बहुत ज़्यादा बरसाई, तो उस चक्कर में ये पानी सारा बहता हुआ है। और सुना है यहाँ पे बस्ती वगैरह जो है ना वो भी डैमेज हुई है, हाँ। और सिर्फ मस्जिद जो है वो बची हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की अल्लाह ताला ने खुद हिफाजत की है, और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ, बाकी सारी बस्ती वस्ती काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। और यहाँ पर सुन रहे हैं ब्रिज पे क्रैक्स भी पड़ रहे हैं क्योंकि नीचे से पानी जो है ना ब्रिज को धक्का दे रहा है। आप प्रेशर देखो कितना ज़्यादा तेज़ प्रेशर है, प्रेशर देखो कितना तेज़ है, प्रेशर देख रहा हूँ आप। नहर में नदी में देखा जाता है हल्का हल्का प्रेशर, नज़र नहीं आता, यहाँ पे फुल प्रेशर है, और वहाँ पे तो डैमेज भी हो गया पुल, जब भी इन्होंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ बंद कर दी जो है ब्रिज का जो पुल है वो वहाँ पर एक सरिया वो रहना वो पड़ा है, वो निकल के बाहर आ गया, वो देखें वो रहा सरिया, सरिया निकल के बाहर आ गया, सरिया ये वहाँ से पानी की प्रेशर की वजह से निकल के बाहर आ गया। नुकसान तो हो रहा है लेकिन साथ साथ लोगों के एंटरटेनमेंट का जरिया भी बना हुआ है, और लोग यहाँ पर बहुत तादाद में बड़ी तादाद में आके एंजॉय कर रहे हैं और इस चीज को देख रहे हैं। कितना पानी था वो देखो, जितने भी लोग इसने देखा, इसने देखा ये यहाँ तक पानी था, वो ऊपर तक कितना ज्यादा पानी था। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, ज्यादा बारिश होता है ज्यादा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है, कम बारिश होता है तो कम पानी आता है। इसका हल क्या है, ये हर दफा तो ये कोई हल तो नहीं है कि हर दफा ज्यादा बारिश होगा ज्यादा पानी आएगा, अभी हल क्या, हल तो यही है कि कम बारिश होता है तो कम पानी आ जाएगा, ज्यादा बारिश हो तो ज्यादा पानी आ जाएगा। अच्छा, मगर हुकूमत ने काम किया नहीं किया? हुकूमत ने तो मेरे एक नज़र में कुछ भी काम नहीं किया, बस बारिश बरसा है, बारिश बरसा है, वो तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसाया। गहरा पानी है, ज्यादा ये गहरा है, बहुत गहरा है। कितना गहरा है यकीन नहीं है तो आप छलांग मार के देखो, मार के दिखाओ ना, आप मार के देखो, नहीं मार सकता, मुझे पता है कि ज्यादा है। कभी मारा छलांग नहीं, सर ये आपको नहीं बता सकता लेकिन काफी गहरा है, इसलिए जो नीचे वाला मिट्टी है वो एस्केलेटर मशीन आता है, डैम्पर वगैरह में मिट्टी यहाँ से निकाल के ले जाता है। कितना दूर है इधर से? यहाँ से आप डैम तकरीबन दो घंटे का, अगर यहाँ से पानी आ रहा है तो ये तो ये तो करीब से आ रहा होगा ना, फिर आप सकरान से आ रहे हैं, वहाँ से सकरान वाली साइड से।
अच्छा, ये पहले भी ऐसा होता है जब बारिश ज्यादा होता है तो जी हाँ, ये बहुत इसका बहुत हम लोगों ने सुना है। अच्छा, ये बहुत नीचे से भी बहुत डैमेज है। डैमेज है, बहुत डैमेज है इसको जी, बहुत खतरा है, बहुत ज्यादा, कभी भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और इसमें कई जाने भी जा सकती है। पानी बह रहे वो आ रहा है, पानी छोड़ा गया नहीं है, जो डैम के ऊपर से पानी आ रहा है ये वो पानी आ रहा है। अगर ज्यादा पानी छोड़ दे तो फिर ज्यादा नुकसान हो सकता है। ज्यादा पानी छोड़ देंगे तो अभी छोड़ रहा है पानी इन्होंने, हल्का हल्का पानी छोड़ा, जो ऊपर से पानी आ रहा है वो पानी आ रहा है ना, जो डैम के ऊपर से आ रहा है, भरने के बाद जो आ रहा है ये वो पानी आ रहा है। अगर ज्यादा अभी खोल दिया, ज्यादा खोल दिया गया तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, ज्यादा खतरा हो सकता है, ज्यादा खतरा हो सकता है। यहाँ पे कोई मतलब कोई इंतजाम नहीं है। पिछली बार 7 लोग मर चुके हैं यहाँ पे, 7 लोगों का इंतकाल हो चुका है इस पानी की वजह से पिछली बार। आप क्या कह रहे हैं यहाँ की गई? मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप डैम है ये 327 फुट भरा हुआ है अभी। अच्छा, ये पानी ऊपर से आ रहा है अभी। अगर ये लोग दरवाजा खोले, पानी ज्यादा छोड़े तो ये शेडू में जो है ना ये गोट मोट बने हुए, इन लोग को भी खतरा है, ये पुल के ऊपर भी खतरा है, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट सारा बंद किया हुआ है। हाँ, वहाँ से जा रहा है बाईपास से। अच्छा, तो ये पुल बिल्कुल कमजोर है अभी। अभी भी माशाल्लाह इसमें बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। अभी भी इसमें बहुत तकरीबन ये बहुत गहरा है, कम से कम तो नहीं हुए 10 फुट तो है, 10-25 फुट है। जी 25 फुट है। तो क्या कहेंगे मिश्कात भाई? यार बस यहाँ एहतियात करें, और अक्सर जो यहाँ पे लोग खड़े हुए ना ऐसे, इनको खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ से हट के रहना चाहिए। खुदा ना खास्ता पुल गिर गया तो नुकसान हो जाएगा, और आने जाने के लिए। हाँ, लेकिन लोग फजूल का खड़े हुए भी ना, हम लोग भी जैसे फजूल का खड़े हुए, तो ये खड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब गुजर जाए, जल्दी से गुजर जाए बस। ये सारा तमाशाई लोग खड़े हुए हैं, अपना तमाशा। बिल्कुल, देखो आप भी तमाशाई बन के खड़े हुए ना, तो आपको भी नहीं खड़ा होना चाहिए। कराची से आ रहे हैं हम, जा रहे हैं आप चौकी जा रहे हैं। हुकूमत का पैगाम ये है कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आबादी है उसका ख्याल रखे, और सबसे ज़्यादा ये है कि कोई जानी नुकसान ना हो, बस ये ख्याल रखे। पानी छोड़ना है नहीं छोड़ना, लेकिन इनका इंतजाम भी करे साथ ना, कि यहाँ की बस्तियों डैमेज ना हो। अगर डैमेज हो रही हो तो उनका कोई इंतजाम करे, उनको एक अल्टरनेटिव दे। ये तो भाई ये है सारा सूरत हाल। फात भाई आप क्या बोलेंगे जरा? आप भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे रश वश ना लगाएं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ ना गुजारें, ये तो बाइकों भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे पुल अगर गिर गया तो फिर और सत्यानाश, फिर ये और बड़ा बकेड़ा हो जाएगा। वहाँ पुल टूट भी चुका है, हर साल का यही होता है इधर। ठीक हो गया, तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और आपको फिर फाइनल अपडेट वहाँ जाके करते हैं फिर। सारी आ जाए फिर। हाँ जी, ये आप लोग अब देखें यहाँ से ज़रा पानी का प्रेशर देखें, ज़रा अच्छा खासा पानी का प्रेशर है भाई। वो देखें भी आपने वहाँ से साइड से, वो देखें साइड से जो है ना जमीन आसा आसा जो निकले। किसी वक्त भी गिर सकता है। चले फिर यहाँ से निकलते हैं अभी भाई। अगर कोई बंदा अगर यहाँ पे आना चाह रहा है, ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा आप लोगों को अपडेट करने के लिए। अगर इस रास्ते से आ रहे हैं तो यहाँ से नहीं आए, दूसरा एक अल्टरनेटिव रास्ता है, तो वो वाला चूज करें रास्ता। ठीक है, वो गाड़ी खतरा है। अच्छा जी दोस्तों, हमारे साथ जो है ये भाई मौजूद हैं, ये भी यहाँ पे इसी की अपडेट दे रहे हैं, तो भाई से भी ज़रा मज़ीद अपडेट ले लेते हैं क्या है, तो ज़रा लोगों को बताएं क्या सीन है भाई यहाँ का। बिल्कुल, जिस तरह से बाबर भाई, ये हालिया जो बारिशें हुई है मानसून के, जो इस साल जो है बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, और इस वक्त जो है इससे पहले 2020 और 2017 में जो है अब डैम भर चुका था, और इस मरतबा भी, और इतनी कम वक्त में जो डैम भरा है, और उसके बाद जो है हब नदी में जो रैले आने शुरू हुए हैं, उसके बाद अब यहाँ पर जो सिंध बलूचिस्तान ये बॉर्डर है, और सिंध बलूचिस्तान का इस वक्त ज़मीनी रबता जो है मुकम्मल बंद है। NHA की जानब से और हब पुलिस की जानब से लोगों को रोका जा रहा है कि वो जो है यहाँ इस नदी से सफ़र ना करें, और मुतबादल जो है रास्ता इख्तियार करें, या मुतबादल जो है वो जो बाईपास है वहाँ से जाए, ताकि जिस तरह से ये रेले आ रहे हैं, एहतियातन कहा ये जा रहा है कि खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत पुराना ये पुल है, इसलिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या है आपका? मेरा हब TV, हब टीवी के नाम से भाई का। ये भी यहाँ की सारी अपडेट करते हैं, तो ये थी भाई यहाँ की सारी अपडेट। इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे, इससे यूट्यूब से मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।